नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर बालाघाट जिले के किरनापुर से। परिवहनकर्ताओं ने महानदियों का कर रहे अवैध उत्खनन, लाखों रुपए का शासन को हो रहा रोजाना नुकसान। अस्वीकृत रेत घाटों से दबंगों द्वारा चोरी, तहसील मुख्यालय में अवैध रेत घाटों से रेत उत्खनन का कार्य धड़ल्ले से चल रहा, लेकिन खनिज विभाग की टीम रेत घाटों तक पहुँचने के बजाय केवल रेत परिवहन करने वाले ट्रैक्टरों को पकड़कर कार्यवाही की खानापूर्ति करती नजर आ रही। रेत खदान संचालकों के हौसले बुलंद है। सूत्रों की माने तो रेत घाट संचालन करने वालों के साथ खनिज अफसरों की चोली दामन का साथ है। यही वजह है कि अब तक रेत घाटों तक खनिज विभाग के अफसर नहीं पहुंच पाते, उन्हें बख्शा जाता है, जबकि केवल परिवहन करने वाले रेत से भरे ट्रैक्टर संचालकों पर कार्यवाही की जाती है। अनुभागीय कार्यालय किरनापुर के अंतर्गत कादरी खुर्द के टुड़वा गाँव में, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच नदी के गोद को सूना किया जा रहा, प्रतिदिन कई हजारों ट्रैक्टर रेत परिवहन की जा रही, जबकि किसी अनुमति या फिर कहे कि बिना स्वीकृति घाट से लाखों रुपए के शासन से आंख मिचोली कर चोरी की जा रही। देखें खबर सुप्रीम पावर न्यूज पर। बालाघाट किरनापुर से भीमराव डोंगरे की रिपोर्ट। ये आपका परिचय? सुरेश भाजी वाले। कौन गाँव रहते हैं? डूडवा। आप ड्राइवर हैं? हाँ जी। किसकी गाड़ी है? सुरेश भाजी वाले। कौन गाँव रहते हैं? डूडवा। डूडवा की गाड़ी। ये जैसे आप रेत ले जा रहे हैं यहाँ से, तो इसमें ये रेत जैसे ले जा रहे थे, इसकी रॉयल्टी वगैरह है आपके पास में? फितरत है घाटी रॉयल्टी काट रहे बांदा वाले। कितना पैसा ले रहे? WR 800 रुपये, 2500 रुपये रॉयल्टी। और ये घाट फितरत है? अभी तो पता नहीं हमको। तो फिर कैसे यहाँ घाटी फितरत में फिर यहाँ पर रॉयल्टी कैसे ले रहे? हर साल चलाते हैं। कब से खोज रहे हैं यहाँ पर आप? दो दिन हुआ है। इन लोग यहाँ पर कौन है? इनका आदमी यहाँ पर बैठा हुआ? ये आदमी लोग अभी ऊपर है। किसका ठेका है यहाँ पर? बांदा वाले। बांदा। क्या नाम है भैया आपका? नेत्रा। कौन गाँव रहते हैं? कांद्री का। ये जो ट्रैक्टर में आप रेत लेके जा रहे हैं, ये कौन से घाट से लेके जा रहे हैं? डूडवा घाट। ये घाट स्वीकृत है? कैसा? फिर यहाँ पर रॉयल्टी वगैरह बगैर स्वीकृत घाट में कैसे रेत ले जा रहे हैं आप लोग? रॉयल्टी कैसे स्वीकृति नहीं घाट तो कैसे रॉयल्टी कट जाती है यहाँ पे? बांदा वाले काट रहे हैं। किस कौन से कंपनी का ठेका है? उनको मालूम है, हुआ है उधर। आपके पास रॉयल्टी जैसे रेत ले जा रहे तो कहाँ है ना? रॉयल्टी काटते हैं वो लोग। जब स्वीकृत नहीं है घाट तो कैसे रॉयल्टी कटती है बताइए? दिखाइए रॉयल्टी। कितने दिनों का आप ले जा रहे थे? दो दिनों में। पहले ही ले जाएगा। गेट पास है। अरे भैया नमस्कार। मालक वो बोलता है सरपंच का नंबर दे दे। ये बस ये इसी से गेट पास के से ही ले जा रहे हैं आप लोग? कितना पैसा दे रहे हैं यहाँ पर ये मालूम नहीं अपने को। कितने की रसीद कट रही? कुछ तो होगा आपके पास में? अभी रसीद में लिखा है वो है। कितना लिखा है? रेत का उत्खनन हुआ जिसके लिए मैं बालाघाट गया था खनिज विभाग, और खनिज विभाग के अधिकारी को मैंने मौखिक रूप से इसकी जानकारी दी थी, और इसकी जानकारी मैंने जो पिछले किरनापुर के तहसीलदार थे टेकाम साहब, मैंने इनको भी एक पंचायत के लेटर पर लिख करके दिया था कि अवैध उत्खनन हो रहा है जिसे जिसकी रोकथाम होनी चाहिए, जो राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नहीं, अवैध खनन जो है वो बंद होना चाहिए, और रेती गांव के लोगों को मिलना चाहिए, और कम दर पर कम रॉयल्टी में मिलना चाहिए। अच्छा, शासन ने जो आपके द्वारा जो संज्ञान में लाया था, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर पाई? जी नहीं, किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, किसी ने बताया हम लोगों को कि पंचायत में रेत जा रही है? क्या पंचायत में? जी नहीं, पंचायत में एक मुठ्ठा भी रेती नहीं आई है। अच्छे भरमार रूप से रात में भी चल रहा बोल रहे थे कवर्सन के बाद, सही है जी? हाँ, अभी दो चार दिन हुआ है जो मेरे संज्ञान में आया है कि रात के समय में ये लोग चार पांच ट्रैक्टर लगाते हैं और रेत का अवैध उत्खनन करते हैं। वहाँ पर रॉयल्टी पूछा गया तो उन्होंने टोकन दिखाया जिसमें गेट पास है। जी जी जी। क्या ये नहीं, ये जानकारी मेरे को तो नहीं है। बाकी ये जो घाट है बुढ़वा घाट, यह स्वीकृत घाट नहीं है।